हेलो एंड वेलकम दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उससे जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत देश के उपराष्ट्रपति पद की जो तुलना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से की जा सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है, अर्थात संविधान को जब बनाया गया था, जब संविधान को लागू किया गया था, उस समय से ही भारत के अंदर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ना कि ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में, अर्हता का मतलब होता है योग्यता, क्या सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो वह राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही वह लोकसभा का सदस्य होता है। केवल शर्त यह है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था होती है उसके सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं उसके सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर हमसे अधिकतम आयु की बात की गई है, तो अधिकतम आयु का संविधान के अंदर कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज की बात की गई है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु उपराष्ट्रपति पार कर चुका हो, लेकिन अधिकतम आयु की कोई भी सीमा तय नहीं है। और ये क्वेश्चन SSC के अंदर 2013 में पूछा गया था। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का मतलब है कि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। जो संसद के अंदर प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए सामानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय और सामानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि इसके अंदर जब कैंडिडेट वोट देते हैं किसी भी उम्मीदवार को, तो वो वोट जो है वो वरीयता क्रम में दिए जाते हैं, जैसे एक नंबर पर, दो नंबर पर, तीन नंबर तक। इस तरह से जो वरीयता है उसके आधार पर वोट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का नामांकन भरता है तो उसके लिए संसद में कम 20 सदस्य जो हैं वो प्रस्तावक के रूप में और 20 ही सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का नामांकन भरता है तो उसे जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये पहले ही RBI को जमा कराने पड़ते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है कि उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है, नामांकन भरता है, तो उसे RBI को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति क्या ये लोकसभा का सदस्य होता है? गलत है। राज्यसभा का सदस्य नहीं, ये राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। संसद का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अर्थात ये संसद का सदस्य नहीं होता है।
लेकिन यह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, गलत है ये। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, अर्थात राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उनके अंदर सभापति अर्थात उनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की सभी बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि यही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। वर्तमान समय तक उपराष्ट्रपति का वेतन है वो है 4 लाख रुपये प्रति माह, और ये वेतन जो है ये संसद सदस्यों के बराबर दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो संवैधानिक अधिकारी को वेतन मिलता है वो मिलता है राष्ट्रपति को, जो कि 5 लाख रुपये प्रति माह होता है, ठीक है, वेतन भत्तों के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, और ये हटाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है, लेकिन इसे शुरू राज्यसभा में किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए इसको हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो राज्यसभा से शुरू की जाती है, लेकिन इसमें लोकसभा द्वारा भी विशेष बहुमत से पास करना होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि संसद द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने अर्थात पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी तो ये प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से अर्थात 25% वोटों से पारित की जाएगी। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है ये लोकसभा के अंदर जाएगी, और वहाँ से यदि ये विशेष बहुमत द्वारा पारित हो जाती है तब उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो जो प्रस्ताव है महाभियोग का ये सबसे पहले राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा, ठीक है, तो केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। ओके, लोकसभा की सहमति इसमें आवश्यक है, लेकिन मुख्य जो इसके अंदर प्रक्रिया का योगदान है वो है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा इस प्रक्रिया को शुरू करती है, लेकिन लोकसभा की सहमति के बिना ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है अर्थात पद से हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा से साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद इसकी स्वीकृति लोकसभा से होनी चाहिए, वो भी 2/3 वोटों द्वारा अर्थात विशेष बहुमत द्वारा, तो तब यहाँ पर उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा जब राष्ट्रपति या तो अनुपस्थित हो या बीमार हो या फिर कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन सभी मामलों के अंदर जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी सभी कार्य करता है। बिल्कुल नहीं, उस समय जो उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में आ जाता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये गलत है, उस समय वह केवल राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के समान ही विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो
जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो नए सभापति के रूप में काम करता है। ओके, जो उपसभापति था पहले वो अब सभापति के रूप में काम करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो वो इस समय राष्ट्रपति का काम संभाल रहा है, तो सभापति का काम उपसभापति संभालेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, उपसभापति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तो यदि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है और वो अधिकतम 6 महीने तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। ओके, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर करवा लेता है। इस वजह से अधिकतम जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक रह सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहा होता है तो वो इनमें से क्या नहीं कर सकता है? देखो, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको गलत कथन ढूंढना है इनमें से। देखो, उपराष्ट्रपति को पदच्युत अर्थात पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस तरह से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी महाभियोग लाना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है? भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये भारत के संविधान में सबसे प्रमुख पद हैं, क्योंकि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है और भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। तो इनसे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनका जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैध संसद के सदस्यों द्वारा होगा। जब संविधान को लागू किया गया था उस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये शर्त रखी गई थी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संयुक्त अधिवेशन के अंदर किया जाएगा, लेकिन इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो की गई थी 11वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 1961 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने समय के पूर्व भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर आप नीचे देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य अर्थात किसके बराबर वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए मिलता है? उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, इसको जो वेतन है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान मिलता है। ओके, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा स्पीकर है, उसका वेतन और उपराष्ट्रपति का वेतन अर्थात राज्यसभा के सभापति का वेतन, ये दोनों बराबर होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि, जो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। ओके, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं तो सभापति के रूप में काम करने के लिए ही उनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सो ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखो, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन कौन रहे हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद, नहीं ये गलत है, नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा,
ये भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत की संचित निधि पर देखो, जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि से नहीं दिए जाते। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति पद अर्थात वाइस प्रेसिडेंट के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यभार संभाला था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया है। अर्थात जिस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, उसी तरह से ऐसे और कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार पद पर रहे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा MH अंसारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, MH अंसारी ने भी उपराष्ट्रपति पद 2 बार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। जब भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उससे पहले सोवियत संघ अर्थात रूस के अंदर राजदूत का काम किया करते थे। सो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग उस स्थिति में करता है जब मतों की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सो देखो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ये निर्विरोध चुने गए थे। एम हिदायतुल्ला को भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुना गया था, अर्थात इनके विपक्ष में कोई नहीं था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन के आर नारायणन जो हैं इनको निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु उस समय हुई जब ये अपने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे थे। सो इसका राइट आंसर होगा कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया। अर्थात ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसने राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था। यहाँ पर सही आंसर होगा वीवी गिरी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद को त्याग कर राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए उपराष्ट्रपति पद को त्यागा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। सबसे कम समय पर उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे वो थे वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।